परवरदिगार तुझ वास्ता हुज्जत दौरा का वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। पालने वाले कल्ब मुतहर इमाम असर व ज़मान को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। परवरदिगार बेहक इमाम असर व ज़मान हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वजूद मुक़द्दस इमाम असर व ज़मान के तुफ़ैल हमारी नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वजूद मुक़द्दस इमाम असर व ज़मान के तुफ़ैल आज़ादारी पुरसादारी गिरिया हर कस्म के अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जो शख्स किसी भी तरीके से अपनी कोशिश से पुरसा पेश कर रहा है, पालने वाले उस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता सैयद साजिदीन का जितने मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, पालने वाले चाहे वो कल्बी बीमार हों, रूहानी बीमार हों, जिस्मानी बीमार हों, हर किस्म के बीमार को शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। मालिक जो बे औलाद हैं, औलाद सालिहा के मुतमन्नी हैं, जनाब अली असगर के सदक़े में औलाद इनायत फरमा। जो शादी के लायक हैं, पालने वाले बेहतरीन अहले बैत अलैहिस्सलाम की मबद्दत रखने वाला रिश्ता इनायत फरमा। पालने वाले हमारे दिलों को उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार बेहक सईद साजिदीन तमाम सामीन हाजरीन को, तमाम मोमिनीन मोमिनात को, तमाम मुतमन्नी हज ज़ियारात को पालने वाले हज ज़ियारात का शरफ़ नसीब फरमा। ख़ास तौर से ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन का शरफ़ नसीब फरमा। पालने वाले मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मुल्क में अमन व अमान को करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना अन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के नियत से सलावात पढ़ दीजिएगा। وعجل فرجهم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلد في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الله وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابنته حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان ولعنة الله على قاتليها وظالميها ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله मजलिस की कबूलियत के नियत से एक मरतबा और सलावात पढ़ दीजिएगा। सरकार सईदुश्शोहदा बचपने का आलम है,
सवाब अलामाल में शेख सदूक ने हदीस को नकल किया, किसकी खिदमत में आए, अपने जद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके सवाल कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना से। सवाल करने का अंदाज क्या है, या आबाता, ए मेरे बाबा, माँ ले मन जाराना, जो हमारी ज़ियारत करेगा उसे क्या मिलेगा। बच्चे ने सवाल किया, और कैसे सवाल किया, ये नहीं कहा है मेरे जद, ए मेरे नाना, नहीं, जुमला कहा है मेरे बाबा, जो हमारी ज़ियारत करेगा उसे क्या मिलेगा। नबी ने क्या जवाब दिया, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, ये नहीं कहा है मेरे नवासे, ऐ मेरे बेटे हुसैन। हदीस मुकम्मल करने से पहले कह दूं, बयान कर दूं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन वो हैं कि जिन्हें नबी ने अपना बेटा कहा है। आयत जब नाजिल हुई थी, अबना आना व अबना अकुम फ़कुल तआला उनदउ अबना आना व अबना अकुम व निसा आना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तलील फनजअल लअनतल्लाह अलल काज़िबीन। नबी किसको लेके गए थे, इमाम हसन इमाम हुसैन को। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया, एक मोहम्मद हनफिया एक मकाम पे थोड़ा सा घबराए जंग में, बहुत बहादुर थे मगर जब घबराए, अमीर मोमिनीन ने बुलाया, इमाम हसन को भेजा, कहा ये तुम्हारा कसूर नहीं है, हसन और हुसैन नबी के बेटे हैं, जहरा के फर्जंद, नबी ने इनको बेटा कहा है। तवज्जो कीजिएगा, नबी करीम ने मुतअद्दिद मकामात पे बेटा कहा, अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुनाजरे मौजूद हैं इस मौजू पे कि इमाम हसन इमाम हुसैन नबी की सुल्ब से बेटे हैं। इन्नल्लाह तआला जअला लिकुल्ली कुल्ल नबियिन ज़ुर्रियतन फी सुल्बह, हर नबी की, नबी अकरम फरमाते हैं, हर नबी की ज़ुर्रियत परवरदिगार ने उसकी नस्ल में रखी, उसके सुल्ब में रखी, मगर मेरी नस्ल अली से चलेगी क़यामत तक, नबी सकलैन ने कहा। यही वजह है नबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा, ए मेरे बेटे, सवाल क्या किया था मैं दोहरा दे रहा हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आके सवाल किया, है बाबा जो हमारी ज़ियारत करेगा उसे क्या मिलेगा। नबी ने कहा, ए मेरे बेटे, या बुनैया, मन ज़ारनी हय्यन व मय्यतन, जो शख्स मुझ नबी की ज़ियारत करेगा, हय्यन व मय्यतन, ज़ाहिरी ज़िंदगी में यह शहादत के बाद, व मन ज़ारा अबाका, बेटा हुसैन जो तुम्हारे बाबा की ज़ियारत करेगा, हय्यन व मय्यतन, ज़िंदगी में या शहादत के बाद, व मन ज़ारा अखाका, बेटा हुसैन जो तुम्हारे भाई हसन की ज़ियारत करेगा, हय्यन वमय्यतन, चाहे ज़िंदगी में या शहादत के बाद, बकिया जाके ज़ियारत करे, वमन ज़ारका, बेटा हुसैन जो तुम्हारी ज़ियारत करेगा, हय्यन वमय्यतन, ज़िंदगी में या शहादत के बाद, क्या होगा, हक्कन अलैया अन अज़ूरहु यौमल क़यामा, उस ज़ाइर का मुझ नबी की गर्दन पे ये हक है कि मैं कयामत के दिन उसकी ज़ियारत को आऊंगा। व उखल्लिसहु मिन ज़ुनूबिह, इतना ही नहीं, दूसरा वादा इमाम हुसैन से नबी सकलैन ने कहा, क्या कहा, यहां तक के बेटा हुसैन जो ज़ियारत को आएगा, मैं उसे उसके गुनाहों से छुटकारा दिला दूंगा। हत्ता उदखिल अल-जन्ना बियदी, जो हमारी तुम्हारी जियारत को आएगा, मैं अपने हाथ से उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इतना तो मालूम हो गया नबी सकलैन के कौल से कि जिस तरह नबी की जिंदगी में नबी को नबी मानते हुए अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी में उनको अली और बिला फसल मानते हुए, इमाम हसन की ज़िंदगी में उनको अल्लाह का खलीफा मानते हुए, इमाम हुसैन की ज़िंदगी में उनको अल्लाह का मासूम खलीफा मानते हुए, जिस तरह इनके चेहरे को देखना इबादत है, इनकी शहादत के बाद भी शिर्क नहीं है, नबी फरमा रहे हैं अजीम इबादत है। मैं ये जुमले का इजाफा क्यों कर रहा हूँ कि इनको इमाम मानते हुए, बहरहाल ये बात वाज़े है,
जो रिवायात अहले बैत में जुमला आया कि मारफत के साथ जो इनकी ज्यारत करेगा, क्या मुराद, जो इनको वैसा मान के ज्यारत करेगा जैसा अल्लाह ने बनाया। सिर्फ ये नहीं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं और इस तरीके के जुमले नहीं, मोहब्बत करना काफ़ी नहीं है, इनकी विलायत रखना काफ़ी है। तवज्जो कीजिएगा, कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मोहब्बत रखना काफ़ी नहीं है, विलायत वाजिब है। क्या मतलब विलायत वाजिब है? मोहब्बत होने से इम्कान है कि इंसान खलीफा ना मानता हो अल्लाह की तरफ से। तवज्जो कीजिएगा, इमाम ने बतलाया, ये हदीस से पेश कर रहा हूँ मैं, इमाम ने बतलाया इनकी मारिफत से मुराद ये है कि इनको वैसा मानना जैसा अल्लाह ने बनाया। क्या मतलब? मौला इनको ऐसा मानना कि इनका एक एक हुक्म अल्लाह का हुक्म, इनका एक एक फरमान नबी का फरमान, इनका इनकार नबी का इनकार, नबी का इनकार दीन से खारिज कर देता है। इस अकीदे के साथ अगर जिंदगी में या जिंदगी के बाद इनकी ज्यारत करेगा तो ये अजीम अज्र मिलेगा, वरना जिंदगी भर नबी के चेहरे को देखता रहे अबू लहब, कुरान की लानत होगी कि नहीं होगी, अबू जहल और कितने गिनवाऊं, जिंदगी भर देखते रहे लेकिन नबी को ऐसा ना माने जैसा अल्लाह ने बनाया, अली को वैसा ना माने जैसा नबी ने चानों पे बुलंद करके बतलाया कि मन कुंचो मौला फहादा अलीयुन मौला, अगर ऐसा ना माने तो वो बहरहाल हो सकता है अली की मोहब्बत रखता हो, अशआर भी पढ़ता हो, कसीदे भी पढ़ता हो, लेकिन अली को अगर बिला फसल नहीं माना तो फिर अली से फासला ही रहेगा उसका। तवज्जो कीजिएगा, सलावात पढ़िएगा अहले बैत की जात पे, अगर समझ रहे हैं। वक्त गुजर गया, वरना मुझे आज जुमले पेश करना थे ज्यारत के। तवज्जो कीजिएगा, मैंने रिवायत इसलिए पेश की क्योंकि चौथे इमाम की सीरत मनाकिबे सैयदुस साजिदीन मौजू गुफ्तगु है, खास तौर से चौथे इमाम की सीरत में से एक सीरत ये थी, अपने चाहने वालों को इमाम की ज्यारत की तरफ तवज्जो दिलाया करते थे चौथे इमाम, लेकिन अपने चाहने वालों को तवज्जो कीजिएगा ज्यारत की तरफ तवज्जो दिलाया करते थे चौथे इमाम। यही वजह है क्यों सिर्फ चौथे इमाम ने नहीं, हर इमाम ने अहमियत को वाजे किया है ज़ियारत अबाबदिल्लाह हुसैन की। लेकिन एक शर्त जो बार बार आई, मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो शर्त यही है जो जुमला इस्तेमाल हुआ कई सारी रिवायात में कि मारफत के साथ, मारफत से मुराद क्या है, मारफत से मुराद ये हदीस भी मैं नस से हदीस पेश कर दे रहा हूँ, अमाली शेख सदूक में, शेख सदूक ने हदीस को नकल किया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि मलम जुअल तो फिदा। रावी ने सवाल किया इमाम से, जब इमाम ने हदीस बयान की आठवें इमाम की फजीलत में, उनकी ज्यारत की फजीलत में, इमाम हुसैन की ज्यारत की फजीलत में हदीस बयान की और कहा जो उनकी मारिफत के साथ ज्यारत करेगा उसे अजीम अज्र मिलेगा, यहाँ तक कि आठवें इमाम ने भी कहा कि मैं भी उसे अपनी शफात के जरिए जन्नत में ले जाऊँगा। सवाल करने वाले ने सवाल किया और हमारी मुश्किल आसान कर दी कि मौला जुअल तो फिदाक, आप पे फिदा करार पाऊं, ये मारफत है क्या? तवज्जो कीजिएगा, मा अरफानु हक्के के हक की मारफत क्या है, ये पहला स्टेप बताया इमाम ने। तवज्जो कीजिएगा, कहा यारिफ अन्नहु इमामुन, पहले तो ये जानता हो कि ये अल्लाह की तरफ से जिसकी मैं ज्यारत करने जा रहा हूं ये अल्लाह की तरफ से इमाम है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, अल्लाह की तरफ से इमाम है यानी रहमान का इमाम है, शैतान का इमाम। अब परेशान नहीं होइएगा, दो किस्म के इमाम है ना किताब खुदा में भी, इमाम ने खुद ने इरशाद फरमाया, बल्कि खुद किताब खुदा में इरशाद हुआ, दो किस्म के इमाम हैं, एक रहमान का इमाम है एक शैतान का इमाम है। मैं दलील दे के चला जाऊँ, कहीं परेशान ना हो जाए, सुनिएगा सूरह कसस कुरान करीम का सूरह आयत नंबर 41 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उससे पहले एक और आयत सुन लीजिएगा जो रहमान का इमाम है उसकी भी सिफत सुन लीजिएगा, सूरह सजदा में इरशाद हुआ आयत नंबर 26 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिनहुम अइमतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इन्हीं लोगों में से कुछ को इमाम बनाया है, यानी तुम जैसे लोग हैं, वो कोई फरिश्ते नहीं है, तुम जैसे लोग हैं इमाम बनाया है। क्या काम है इनका? यहदूना, हिदायत करते हैं लोगों की, बे अमरना, हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं, अपनी तरफ से नहीं करते।
परवरदिगार इमाम क्यों बनाया, निशानी क्या है? मैं उस जुमले पे आऊंगा जो मैंने कहा, तवज्जो कीजिएगा। परवरदिगार इमाम क्यों बनाया, निशानी क्या है? कहा लम्मा सबरू, इसलिए कि इन्होंने सब्र किया। वकानू बेआयातिना यूकिनून, और हमारी आयात में हमारी निशानियों में यकीन रखा करते थे। ये दो सिफात थी, इनका सब्र, सैयदुस साबरीन का जिक्र है तवज्जो कीजिएगा, इनका सब्र था, हमारी आयात में यकीन था, तो हमने इन्हें इमाम बनाया। दूसरे कौन से इमाम हैं? वो जो मैंने पहले रेफरेंस दिया, सूरह कसस कुरान करीम का सूरह आयत नंबर 41, तवज्जो रखिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वजअलना हुम अइमतन, हमने इनको इमाम जो बनाया है, लेकिन काम क्या है? यदऊना इलन्नार, इनका काम यह है कि ये जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। इमाम हैं लेकिन जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, क्यों भाई? इसलिए कि वो रहमान के इमाम हैं, ये शैतान के इमाम हैं, शैतान इनका इमाम बन जाया करता है। अच्छा सुन लीजिएगा, अगला जुमला भी सुन लीजिएगा, कुरान करीम की आयत पढ़ रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। सूरह कसस कुरान करीम का सूरह आयत नंबर 41 मैंने तिलावत की। सवाल किया जाए, परवरदिगार इन इमामों को कैसे पहचाने कि ये जहन्नमी इमाम है, रहमान के इमाम है या शैतान के इमाम है, कैसे पहचाने? आयत नंबर 42, अतबअनाहुम फी हाज़िहिद दुनिया लाना, अगर इन इमामों को पहचानना चाहते हो तो पहचानो, इसी दुनिया में हमने इनके पीछे पीछे लानत करार दे दी है। जिनके पीछे लानत जा रही हो समझ जाओ यही जहन्नमी इमाम है। वयौम अल-क़यामत हुम मिनल मक़बूहीन, क़यामत में इनके चेहरे भी बिगाड़ दिए जाएंगे। सलावात पढ़ते हैं अहले बैत की ज़ात पे। मैं उस हदीस पे था जिस हदीस में इमाम मारफत का माना बयान कर रहे थे। मैं बार बार हर मजलिस में इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इमाम की ज़ियारत बड़ा अजीम सवाब, इमाम की ज़ियारत सीरत सैयदुस साजिदीन में, मनाकिब-उस-सय्यदीन के अहम गोशों में एक गोशा यह है कि अपने बाबा की ज्यारत को जाया करते थे। ये बार बार आप हजरात की जुमला सुनते रहते हैं, रिवायत अहले बैत में बहुत ज्यादा लफ्ज आया मारफत के साथ ज्यारत। छठे इमाम से सवाल किया गया अमाली शेख सदूक में हदीस, क्या सवाल किया? मौला आप पे फिदा करार पाऊँ, ये बताइए मा इरफानु हक़े, हक़े इमाम की मारफत क्या मुराद क्या है? पहला स्टेप इमाम ने बताया इमामुन, इंसान ये जान ले कि अल्लाह की तरफ से, रहमान की तरफ से ये इमाम है। मुफ्तरदु ताआ, इसकी इताअत अल्लाह की तरफ से फर्ज की गई है। एक दफा होता है कि इंसान ये कहे कि हम भी मानते हैं, एक तरफ ये कहे कि हम ही मानते हैं, फर्क है, अगर समझ रहे हैं बात को, समझ आ रही है बात? यानी एक दफा कहें कि नहीं हम आप ही को इमाम मानते हैं, अल्लाह की तरफ से मानते हैं, आप में से किसी एक का इनकार गोया के नबी का इनकार। तवज्जो कीजिएगा, छठे इमाम बतला रहे हैं कि पहला तो ये जाने के इमाम है अल्लाह की तरफ से, मुफ्तरज़ उत्ता, इसकी इताअत वाजिब है, फर्ज की गई है। शहीदुन, शहीद है, क्या मतलब शहीद है? मा मिन्ना इल्ला मक्तूलुन औ मस्मूम, हम में से जो भी मासूम होता है, इमाम होता है, या उसे कत्ल किया जाता है तलवार से या जहर से, लेकिन होता शहीद है। इसका मतलब, इसका मतलब मासूम शहीद होता है तो नबी भी शहीद हुए। अब कातिल ढूंढो कौन है, तवज्जो कीजिएगा। मा मिन्ना इल्ला मक्तूलुन, और बहुत सारी रिवायात हैं, तवज्जो कीजिएगा। इमाम ने क्या बात बयान की? इमाम ने कहा सुनो, मारफत का पहला स्टेप इमाम माने, मुफ्तरज़ ताआ माने, शहीद माने, और ख़ास तौर से आठवें इमाम और इमाम हुसैन के लिए जुमला इस्तेमाल हुआ इन्नहु गरीबुन, ये माने कि ये गरीबुल वतनी में थे, पहले स्टेप पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक रिवायत अलकाफी में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पेश करके चला जाऊं, कुछ जिक्र कर दूंगा इंशाल्लाह। चौथे इमाम का भी वही, उन्हीं के तसलसल से बात हो रही है। जब सवाल किया गया, इमाम ने पहले एक जुमला कहा कि देखो परवरदिगार की इबादत मुमकिन ही नहीं है, परवरदिगार की इबादत मुमकिन ही नहीं है जब तक उसकी मारफत ना हो। समझ आई कोई बात?
وہ جو راوی تھا نا اسے بھی سمجھ نہیں آئی. سنیے گا دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں. امام نے کہا اللہ کی عبادت ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کی معرفت نہ ہو. امام نے جو سمجھایا سمجھایا, میں سمجھاؤں گا اپنے الفاظ میں اور واضح کر دوں. امام علیہ السلام نے جملہ کہا, پہلے میں بیان کروں, امام نے ایک جملہ کہا, کہا اللہ کی عبادت انسان اسی وقت کرے گا جب اسے پہچانے گا. اگر معرفت کے بغیر کرے گا فانما یعبدہ ہکذا ضلالاً, گمراہی کی عبادت کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں انسان جب کسی کی عبادت کرے تو پہلے پہچانے کون ہے, پروردگار کا شکر ادا کرنے جا رہا ہے یہ تو جانے کہ یہ کون ہے, اس کا شکر کیسے ادا ہوگا. چوتھے امام پانچویں امام روایات موجود ہیں. کیا مطلب شکر کیسے ادا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا, اگر میں چاہتا ہوں کہ کسی کا تھینکس کروں تو پہلے جانوں تو کہ وہ ہے کون. اور واضح مثال دیتا ہوں, میرے گھر میں میرے لیے کسی نے میری پسندیدہ چیزیں سجا دی ہیں دسترخوان پہ, کیا گوارا کروں گا میں کہ آؤں اور فوراً آ کے کھانے لگوں کہ سوال نہیں کروں گا کس نے سجائی ہیں؟ توجہ کیجئے گا, سوال کروں گا کس نے سجائی ہے ہر وہ چیز جو مجھے پسند ہے, لا کے رکھے کس نے رکھی, کیوں سوال کر رہا ہوں؟ یہ فطرت میں پروردگار نے ڈالا کہ میں سوال کروں گا کہ پوچھوں تو کس نے کیا ہے, اس کا شکریہ ادا کروں. اچھا اگر وہ بچہ ہوگا تو اس کا شکریہ اس طریقے سے ادا کروں گا, پیار کر لوں گا, گال نوچ لوں گا, ایسا ہی ہے نا, شکریہ ادا کیا ہے نا میں نے, بے عزتی تو نہیں کی. اگر میں نہیں پہچانوں گا کہ بچہ ہے یا بڑا ہے, اگر میں ایک طریقہ سیکھ لوں گا کہ بچے کو پیار کیا جائے گال نوچ کے, یہی شکریہ ہوتا ہے. اگر وہ بزرگ ہوا اور میں نے ایسے ہی کر دیا, توجہ کیجئے گا, اگر بزرگ اور میں نے ایسے ہی کر دیا, کوئی ٹافی دے دی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بھائی شکر ایسے ادا ہوتا ہے کہ ٹافی دے دیتے ہیں, تو شاید پٹائی لگ جائے جبکہ میں اپنے لحاظ سے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. کیوں ایسا کیوں ہوا, کیوں بے عزتی ہو گئی اس کی؟ اس لیے کہ میں نے پہچانا نہیں تھا کہ سامنے کون ہے. زندگی بھر پروردگار کی پانچویں امام زندگی بھر عبادت کرتا رہے لیکن پہچانے ہی نہیں کہ کس کی عبادت کر رہا ہوں, تو گمراہی کی عبادت کر رہا ہے. مولا اور واضح کرے, کہا سنو اللہ کو پہچانے یعنی کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اولیاء کی معرفت رکھے. اگر ہماری معرفت نہیں ہے تو وہ گمراہی کی عبادت کر رہا ہے. مولا کیا مطلب؟ اور واضح کیا امام نے. سنو ضروری ہے اس کے لیے, دو سے تین چیزیں بتاؤں گا, چوتھے امام کے تذکرے پہ آ جاؤں گا. ضروری ہے, چوتھے امام کے تذکرے پہ کیسے آؤں گا توجہ کیجئے. پانچویں امام نے کہا اس شخص کے لیے ضروری ہے موالات علی علیہ السلام, پروردگار کی عبادت اگر کرنا چاہ رہا ہے ایسی عبادت جو قبول ہوگی تو علی کی ولایت رکھے, والائمہ من بعد اور ان کی ولایت رکھے, انہیں امام مانے جو علی کے بعد امام ہیں, والبراءۃ من اعداء ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری ہو یا کم سے کم دل میں ان سے نفرت کا اظہار ہو, والاعتمام بہی جہاں تک امکان ہو. اعتمام کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا, انہی اماموں کے پیچھے پیچھے چلنا. اس طریقے سے اگر کوئی عبادت کرے گا تو عظیم عبادت گزار ہوگا اور کامیاب ہو جائے گا. عبادت کی بات ہوئی نا, اب آئیے سید الساجدین زین العابدین, ان کا تذکرہ. اللہم صلی علی محمد. جگہ جگہ لوگوں کی رہنمائی کیسے کر رہے ہیں, جب ممبر پہ گئے کیا کہا پہلا جملہ؟ من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے پہچانتا ہے تو وہ تو پہچانتا ہی ہوگا, مگر جو نہیں پہچانتا اسے میں خود اپنی معرفت کروا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر میری معرفت نہ ہوئی تو پھر کفر و ضلالت کی موت مر جائے گا انسان. انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم و صفا, امام نے خود معرفت کروائی. کیا مطلب؟ مکہ و منا مناقب و سید الساجدین ہے. سنیے گا, کل بھی میں نے کچھ احادیث پیش کی تھیں, کل پیش کیا تھا میں نے عبد الملک ابن مروان کے حوالے سے. عبد الملک ابن مروان مروان حکم کا بیٹا, اس کے حوالے سے میں نے پیش کیا تھا. امام کو کہا کہ میں تو قاتل نہیں ہوں,
फिर हमसे मुंह क्यों मोड़ते हो? इमाम ने कहा अगर तू कातिल नहीं है तो हो जा, कातिले हुसैन में शामिल हो सकता है तू, आज भी उन दुश्मनों से मोहब्बत रख दिल में, तू भी उन्हीं के साथ मशहूर होगा। क्यों क्यों? तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि परवरदिगार ने 500 साल बाद जनाबे ईसा के 500 साल बाद नबी पे कुरान नाजिल किया और उन यहूदियों को कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो तुमने अंबिया को कत्ल क्यों किया? तवज्जो कीजिएगा, उन्होंने तो अंबिया को कत्ल ही नहीं किया था लेकिन परवरदिगार ने उन्हें कातिल कहा इसलिए कि वो अंबिया के कत्ल पर खुश थे। अगर तू भी मेरे बाबा के कत्ल पे खुश है तो तू भी कातिल हुसैन साथ है। कहा मैं ये नहीं कह रहा, कल मैंने बयान किया था, मैं उस हदीस से आगे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं, सुन लीजिएगा। कहा मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कातिल हूं ही नहीं, कम से कम दुनिया लेने तो हमारे दर पर आया करो। इमाम ने क्या किया था, अपनी रेदा उतार के बिछाई थी। कहा परवरदिगार इसे हमारा एहतराम तेरे नजदीक क्या है दिखलाना। इतने में रेदा कीमती तरीन जवाहरात से भर गई, कीमती तरीन जवाहरात से भर गई, लोग हैरान हो गए। इसके बाद इमाम ने मुतवज्जो के क्या कहा था, अब्दुल मलिक इब्न मरवान, इसका बेटा हश्शाम, तवज्जो कीजिएगा क्या कहा इमाम ने। इमाम ने कहा कि जिसके पास अल्लाह ने यह कुछ दिया है इख्तियार, वो तेरे माल की तरफ मोहताज नहीं है, परवरदिगार वापस ले ले, ये सब देख चुके थे उसके बावजूद बदले नहीं। इसका बेटा हश्शाम तवाफ कर रहा है, रश है, इज्तिहाम है, कोई रास्ता ही नहीं दे रहा, बादशाह है, उसके बावजूद किसी ने रास्ता नहीं दिया। लेकिन एक जवान आया, ये जवान कौन है, हुसैन इब्ने अली का फजन, चौथे इमाम, तशरीफ लाए हैं। जैसे ही तशरीफ लाए एहतरामन लोग हटने लगे, रास्ता बनने लगा, हजरे अस्वद के करीब आए, हजरे अस्वद को बोसा दिया, तवाफ किया। कहा ये कौन, बाज रिवायत में आया लोगों ने आके इस बादशाह से पूछा कि ये है कौन, तुमसे भी बड़ा है ये। अब बेइज्जती का एहसास हुआ तो कहता है मैं नहीं जानता कौन हूं, मैं जानता ही नहीं, मुझे इल्म नहीं है कौन है। बादशाह जब ये कह दे तो फिर इमाम का एक चाहने वाला वही मौजूद था, खड़ा हो गया, कहा तू नहीं जानता ये कौन है, क्या नाम था, फरजदक, खड़ा हो गया, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता तो मैं बतलाता हूं ये कौन है। हाउल्लज़ी तअरिफुहुल बथा वतअतहु वल बैतु यअरिफुहु वल हिल वल हरम, ये तो वो है जिसे कुरैश के बड़े बड़े सरदार जानते हैं। सरदारों की बात छोड़ो, ये काबा इनको जानता है, ये हरम इनको जानता है, ये तमाम का तमाम जहां तवाफ कर रहे हैं लोग सब का सब इनकी मारफत रखता। अशआर कहें, फिलबदी अशआर कहें, नबी सकलैन की मारफत करवाई, इमाम की शान में जब अशआर कहे, इस मलाऊन ने क्या किया, हाकिम था हश्शाम इब्ने अब्दुल मलिक, हाकिम था, इस शायर को फरजदक को कैद करवा दिया गया। चौथे इमाम की सीरत पे अमल करते हुए बेचारा कैद हो गया, इंतहाई सख्ती में था, दीवान से इसका नाम मिटा दिया। दीवान यानी क्या मतलब, शोरा को मंथली वजीफा पैसे दिए जाते थे शायरी करने के, किस चीज की शायरी करने के, बादशाह की शान में शायरी करने के। लेकिन अब ये दुनियावी बादशाह की शान में शायरी नहीं की है, इसने कायनात के बादशाह की शान में शायरी की। क्या हुआ, कैद में डाल दिया गया, कैद में जब डाल दिया गया इंतहाई परेशान हाल था। क्या हुआ, एक शख्स आया मुलाकात के लिए, कहता है तुम्हें अली इब्न अल हुसैन ने सलाम भेजा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मसल्ला अला मुहम्मद, तुम्हें इमाम वक्त ने सलाम भेजा है, तुमने वक्त के इमाम की शान में, इमाम वक्त थे चौथे इमाम, उनकी शान में अशआर कहे हैं, परवरदिगार ने तुम्हें ये अजर दिया कि न सिर्फ उन्होंने सलाम भेजा है बल्कि ये तोहफा तुम्हारे लिए भेजा है, कीमती तरीन तोहफा। जैसे ही देखा कहने लगा कि उनको जाके सलाम का जवाब देना और कहना
کہ میں نے اس تحفے کے لیے تھوڑی کہے تھے اشعار، اللہ میں نے ان کی محبت میں اشعار کہے تھے، ان کی محبت میں اشعار کہے تھے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، کیا مطلب آخرت چاہیے، میں نے ان کی محبت میں اشعار کہے تھے. اب کیا ہوا، امام کے پاس جب واپس آیا یہ تحفہ، امام نے دوبارہ بھجوایا، اس کی آزادی کے لیے کوشش کی، آزاد ہو گیا لیکن بہت پریشان ہے، نہ پیسے ہیں نہ کھانے کو کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے. چوتھے امام، چھٹے امام، اگرچہ ایک الگ موضوع ہے لیکن میں اشارہ کر دوں اس بات کی طرف، خاص طور سے اپنے نوجوان دوست احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاعری، نوحہ خانی، مرثیہ خانی، توجہ دی جائے ان چیزوں کی طرف، قربتاً اللہ توجہ دی جائے. اہل بیت علیہ السلام نے بہت سراہا ہے، جن کی آواز اچھی ہے کوشش کریں پڑھیں آ کے. میں بیان کر رہا ہوں چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی صلوات پڑھ دیجئے گا اہل بیت کی ذات پہ. آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت رہی ہے کہ شعرا کو بلایا کرتے تھے اور شعرا اشعار کہا کرتے تھے. آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے انہیں بہت دعائیں دی ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا ہے. بہت ساری اس حوالے سے روایات ہیں، دعبل خزائی آپ حضرات جانتے ہیں، یہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے. آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اشعار کہنا، دعبل خزائی عظیم شاعر امام کی شان میں، انہوں نے بھی ایسے اشعار کہے. جب اشعار کہے امام نے ہدیہ دیا تو کہا مولا میں نے تو آپ کی محبت میں کہے تھے. امام نے کیا جملہ کہا تھا، اب بات نکلی ہے تو سن لیجئے گا. امام نے کہا تھا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، امام کے لیے ہوں اشعار، شہرت پیسہ امام کے لیے اشعار ہو. یہی وجہ ہے چھٹے امام نے کیا کہا تھا ایک شخص کو، ابھی ہارون مکفوف نابینا تھا، کہا تھا وہ اشعار سناؤ جو اکیلے میں قبر امام حسین پہ جا کے سناتے ہو. یہ تو اکیلے میں سناتا تھا قبر امام حسین پہ، وقت کے امام کو کیسے پتہ چل گیا. توجہ کیجئے گا، امام کے لیے اگر اشعار کہے جائیں تو امام کو پتہ چلتا ہے اور عظیم اجر ملتا ہے. دعبل خزائی میں آ رہا ہوں فرزدق کے ذکر پہ، توجہ کیجئے گا، آٹھویں امام کی شان میں جو اشعار کہے بہت مشہور ہو گئے وہ اشعار. یہ بھی پورا ایک قصیدہ ہے، امام بار بار روکتے، اب رکو، تین مرتبہ روکا ہے اشعار کے درمیان. اے دعبل، وہ جو توس میں قبر ہے، خراسان میں قبر ہے، اس کے بارے میں بھی اشعار کہو. مولا خراسان میں کیسی قبر ہے؟ کہا خراسان میں میری قبر بنے گی، اس کے حوالے سے بھی اشعار کہو. فل بدی اشعار پڑھے ہیں، اشعار پڑھے جا رہے ہیں، وقت کے امام کے حوالے سے بھی اشعار پڑھے ہیں، بارہویں امام کے حوالے سے بھی. کہا یا دیبل بہت اشعار کہہ دیے، تو کہا ارج بنا الل کربلا، اے دیبل اب ہمیں کربلا لے چلو. کربلا کے حوالے سے اشعار کو، جو اشعار کہے عظیم اشعار کہے. امام نے گریہ کیا، میں مختصر کروں گا، سنیے گا. دیبل کو جب ہدیہ دینے کا وقت آیا، امام نے ہدیہ دیا، کیا دیا؟ اپنی ابا اتار کے دی ہے، اللہ اکبر، قیمتی ترین دینار دیے، ابا دیے. امام نے کہا مولا اس لیے نہیں کہتے؟ کہا کام آئیں گے، کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے. اب سن لیجئے گا کیا ہوا. دیبل نکلا قافلے کے ساتھ سفر پہ، گیا راستے میں لوٹ لیا گیا، پورے قافلے والوں کو کچھ لوگوں نے آ کے لوٹ لیا، سامان لوٹ لیا گیا. دیبل کہتے ہیں کہ میں صرف ایک وجہ سے ان ڈاکوؤں کے پاس گیا، اگرچہ جان کو خطرہ تھا، مگر گیا کہ سب لے لیا، لے لو، بہت پیسے تھے میرے پاس، سب رکھ لو، لیکن وہ ابا دے دو، وہ میرے مولا کی ہے. اور مولا نے کون سی ابا دی تھی جانتے ہیں؟ دیبل کو کہا ہے دیبل اس ابا میں میں نے ہزار راتوں میں ہزار رکعتیں پڑھی ہیں، اللہ اکبر، وہ ایک شاعر کو دی ہیں. دیبل وہاں گئے تو دیکھا ایک انہیں چوروں میں سے ایک چور کچھ اشعار پڑھ رہا تھا اور رو بھی رہا تھا. اشعار کون سے؟ اشعار وہی جو امام حسین کی مصیبت کے تھے. کس کے لکھے ہوئے اشعار؟ خود دیبل کے لکھے ہوئے اشعار. حیران ہو گئے. دیکھیں ہدایت کیسے دینا تھی امام کو،
चाहने वाले होंगे ये, लेकिन गुनाहगार थे, चोर थे। इमाम ने कैसे हिदायत दी? देबल ने आगे जाके कहा कि ये बताओ ये अशआर किसके हैं। कहा तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारा क्या ताल्लुक है अशआर से, जाओ यहां से। कहा ये बता दो ये अशआर किसके हैं। कहा शायर अहले बैत देबल खजाई के अशआर हैं। देबल ने आगे के अशआर पढ़े और कहा अना देबल, मैं देबल हूं। कहा मुमकिन नहीं है तुम देबल हो। एक मरतबा काफले वालों को बुलाया, जब पता चला कि ये देबल खजाई हैं, तमाम के तमाम आए, आठवें इमाम के सदके में तौबा की, सबका माल वापस लौटा दिया। तौबा किया इन लोगों ने, सबका माल वापस लौटा दिया, देबल खजाई वापस आए। मैं बयान कर रहा हूं अहम अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में कितनी अहमियत है इस जिक्र की, अगर खुलूस से हो। आए हैं कुम में, आके बताया, लोग जमा हो चुके थे, अशआर मशहूर हो चुके थे इमाम के, जिसके अशआर इमाम की ताईद हासिल हो जाए, जिसके अशआर को वो फिर शोहरत पा जाते हैं। क्या हुआ, मशहूर अशआर हो चुके हैं, लोगों ने कहा देबल भाई अशआर सुनाओ, अशआर सुनाए। लोगों ने सवाल किए देबल कुछ दिया मौलाना ने? फख्र से बताया मुझे अपनी आबादी है, बस ये बोलना था कि लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। देबल नहीं दे रहे थे कि तबरुक है, लोग हैं, मौला का तबरुक था, नहीं छोड़ा, कपड़ा फाड़ फाड़ के थोड़ा थोड़ा सब ले जाते रहे। देबल के पास इतना सा टुकड़ा बचा, मुख्तसर सा टुकड़ा बचा, वही तबरुकन लेके चला गया। अफसुर्दगी के हाल में देबल खजाई घर पहुंचे, घर जाके क्या देखा कि बेटी नाबीना हो गई है। जैसे ही देखा बेटी नाबीना हो गई है, देबल ने कहा इधर आओ, करीब बुलाया, वो टुकड़ा जो इमाम की अबा का रह गया था आंख पे लगाया, अभी आंख पे लगाना था कि बीनाई वापस आ गई। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद। अहमियत अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में शायरी की, फरसदक चंद अशआर कहे थे, मौजूद है पूरा दीवान फरसदक इमाम की शान में। चंद अशआर कहे थे, इमाम ने तोहफा भिजवाया, वापस पलटाया, दोबारा इमाम ने भिजवाया, कैद से आजाद करवाया। आजाद होने के बाद इमाम को पता है कि फरसदक परेशान है। क्यों परेशान है? अब उन्हें कुछ मिलता नहीं है, रिस्क के हवाले से परेशान है। जानते हैं इमाम ने बुलाया, कहा है फरसदक कितना मिलता था तुम्हें हर महीने, कितना मिलता था तुम्हें हर महीने? कहा मौला इतना इतना दिरहम मिलता था मुझे हर महीने। इमाम ने कितनी रकम दी है? इमाम ने फरसदक को जो रकम दी है, रकम देने के बाद कहा है ए फरसदक ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं जितना तुम्हें मिलता था उसके मुताबिक 40 साल तक तुम्हें यह काम आएगा। तवज्जो कीजिएगा, 40 साल तक का तुम्हारी ये तमाम का तमाम वजीफा इसमें मौजूद है। मौला 40 क्यों? ए फरसदक अगर मुझे मालूम होता कि 40 से ज्यादा जियोगे तो और भी दे देता, लेकिन मुझे मालूम है परवरदिगार ने इल्म दिया है कि तुम अब बस इसके बाद 40 साल जियोगे, पूरी जिंदगी का तुम्हारे लिए चंद अशआर कहने के अजर में ये तमाम का तमाम दिरहम और दीनार तुम्हारे लिए। सलावात पढ़ दीजिएगा इमाम की जात पे। एक मरतबा और चौथे इमाम की जात पे सलावात पढ़ दीजिएगा। वो इमाम जिसके इख्तियार में इतनी अशिया हो, उस इमाम की एक मजबूरी देखी गई। परवरदिगार का इम्तिहान, सहल इब्ने साद नामी शख्स है, करबला वालों का सफर जारी है ना, सुनिएगा। सहल इब्ने साद कहता है कि मैं देख रहा था कि जंजीर में जकड़ा हुआ एक कैदी है, मैं करीब गया, मैंने सवाल किया कि बंदा खुदा कोई हाजत जो मैं पूरी कर सकूं। कहता है तुम्हारे पास कोई दिरहम है? इमाम ने जुमला कहा। कहता है मैंने कहा हाँ है, बिल्कुल है दिरहम।
क्या करना है, पैसों की ज़रूरत है? कहा नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये जो नैजा लेके खड़े हैं, नैजों पे जो सर हैं, इन लोगों को ये पैसे दो और इनको कहो सरों को आगे ले जाएं, ताकि लोग सरों को देखने में मशगूल हो जाएं। मेरी माँ बहने फूफिया बे मकलो चादर, इनकी तरफ कोई निगाह ना करे। अजरकुम अला जहरा, अजरकुम अल्लाह। अजीब रिवायत लिखी मजमाउल मसाइब में, एक मरतबा जब ये काफिला कई साआत इंतजार करने के बाद दाखिल हुआ है दरबारे यजीद में, यजीद की जौजा जिसका नाम हिंद है, अमीरुल मोमिनीन की कनीजी में थी, जब आजाद कर दिया था इमाम हसन की कनीजी में आने के बाद, तो हाकिम शाम ने यजीद मलऊन से शादी की। एक मर्तबा इसको खबर मिली कि खलीफा वक्त यजीद के मुखालिफीन खारिजी आए हैं, उनके मुकाबले में खलीफा को फतह नसीब हुई है, लिहाजा उनकी जो कैद करदा ख्वातीन हैं उनसे तुम्हें मुलाकात करना है। लिबासे फाखरा पहना, खादिमा को बुलाया, जैसे ही आई हैं देखा बीबियां खड़ी हैं, रस्सियों में बंधी हुई हैं। रिवायत का जुमला जनाबे उम्मे कुलसूम से जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए उम्मे कुलसूम, पहचानती हैं ये कौन? ये बाबा की कनीज हिंद है, अरबाब अज़ा करीब आई हिंद। कहने लगी मिन ऐना अल्तुम, तुम कहां से आए हो? कुर्सी पे बैठी थी, एक बीबी ने कहा नहनु जिना मिनल मदीना, हम मदीना से आए हैं, मदीने का नाम सुना, अपने मकाम से नीचे उतरी, कहा सलामुन अला साकिनी हा, मदीने में रहने वाले पर सलाम, कुछ और तारुफ करवाओ मदीने में किस घराने से हो। एक मर्तबा एक बीबी ने कहा ये बताओ तुम्हारा कौन मदीने में रहता है? मेरा अली मदीने में था, मेरा नबी मदीने में, मेरी फातिमा मदीने में। तुम मदीने से आए हो, अखबिरनी अन अबनाओ ए अली, अली के बच्चों के बारे में कुछ बताओ। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनबे कुबरा आगे बढ़ी, अगर अली के बच्चों का पूछ रही हो तो सुनो, अम्मल हुसैन फमक्तूल बिकरबला, जहां तक हुसैन है प्यासा ज़बह हो गया, जहां तक उनका बेटा उसे कैदी बना लिया गया। और जब तक तुम सवाल कर रही हो तो अब सुनो, जिस फातिमा का तुम पूछ रही हो, मैं ज़ैनब फातिमा की बेटी, अरबाब ऐसे सुनना था लता मत बेवजह चेहरे को पीटना शुरू किया। अजरकुम अल्लाह, अरबाब एक मरतबा हिंद चादर उतार कर यजीद के सामने आई, ओ मलऊन तूने फर्जंद ज़हरा को शहीद किया। अरबाब जानते हैं मक्तल में अजीब जुमला मिला, यजीद ने एक जुमला कहा दरबार में चादर के बगैर नाला। अरबाब वो ज़ैनब के जब कब्र पे निकलती थी तो अली अलैहिस्सलाम चिराग बुझवा दिया करते थे, खुदा जाने ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी।
الا لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون اللهم عجل لبليك الفرج.